हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। और आप लोगों के लिए हम नई नई चीज़ें ऐसे लाते रहेंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो ज़रूरी नहीं आप लोग बाहर ही जाएं तो कुछ चीज़ खाने को मिले, आप लोग अपने घर पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये हमारे घर में भी बनता है और हमारे प्रतापगढ़ की फेमस चाट है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये हमारे प्रतापगढ़ की चाट है जो हम आप लोगों के लिए आज ले आए हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा तो हमने कैसे बनाया है, और ये चाट फेमस बहुत है प्रतापगढ़ की, तो आप लोग इसको घर पे ज़रूर बना के खाइएगा। तो हमने कैसे बनाया है आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, देखने बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है, और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मेरी वीडियो आप लोग पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हमने कैसे बनाया है। तो हमने ये गैस पे कढ़ाई रखा है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरे का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमारे प्रतापगढ़ की चाट में जीरा ज़रूर पड़ता है। तो आप लोग प्रतापगढ़ जाइएगा तो चाट ज़रूर खाइएगा। और थोड़ा सा हमने हरी मिर्च डाला है, ये धनिया पाउडर है सूखा वाला, उसी तेल में डाल दिया है। तो हम तेल में बनाएंगे, अगर आपके पास घी हो तो आप घी में बना सकते हैं। तो हमने 1 किलो टमाटर लिया है जिसको बारीक तरह से काट लिया था, काट के थाली में रख लिया था। अब उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया इस टमाटर को, और पका हुआ टमाटर होना चाहिए तो और अच्छा चाट बन के तैयार होता है। तो टमाटर की चाट हम बनाएंगे जो खाने में बहुत पसंद है और बनाने में भी बहुत आसान है, जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। तो आप लोग इसका ज़रूर ट्राई करिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर पे हैं मौजूद, तो बनाइए और खाइए, और खाने में भी अच्छा लगता है। हमने थोड़ा सा नमक डाला है, और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर ऊपर से और डाल दिया है, उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच ये चीनी हमने थोड़ा सा डाल दिया है। तो खट्टी मीठी चाट सबको खाना पसंद है। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद इसको हम ढक के रख देंगे कि ये टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए, और गलने के बाद जो है एकदम पिघल जाएगा। और ये दूसरी तरफ हम 1 गिलास पानी लेंगे, जो छोटा सा भगोना लिया है उसी में हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो 1 गिलास पानी हम ले रहे हैं, उसी में डाल दिया भगोने में। 1 चम्मच जीरा पाउडर है, जीरे को भूंज के रख लीजिए, तो उसको जो है पीस के आप रख लीजिए, तो उसका जीरे का पाउडर आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा हमने नमक डाला है, वो काला नमक है। और अब ये पानी उबल रहा है, इसमें थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है, और ये 2 चम्मच चीनी डाल दिया है। तो खट्टा पान आने के लिए अमचूर पाउडर तो डालना ही पड़ेगा, तो आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा। और चीनी डाल दिया है, तो अब ये अच्छे से पानी दूसरी तरफ पक रहा है। और ये देखिए टमाटर को अब हम चला दे रहे हैं, कितने अच्छे से गल गया है, और कलर भी कितना अच्छा आया है। और टमाटर की चीज़ ऐसी है जो खाने में बहुत बहुत सबको पसंद है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो इसमें हम 2-3 आलू उबाल के रख लिए हैं, उसको भी हम कद्दूकस कर दे रहे हैं। तो ज़्यादा आलू नहीं डालने की आवश्यकता है, 2 आलू 3 आलू आप इतना डाल सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी आलू ना हो, बस मीडियम साइज की आलू हो उसी को डालिए, बहुत ज़्यादा आलू की आवश्यकता नहीं है टमाटर चाट में। तो हमने 2 ही आलू डाला है, जिससे थोड़ा बहुत जो टमाटर का पानी है वो आलू सोख लेगी, उसके बाद खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बनाना जितना अच्छा लगता है उतना खाना भी अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर टमाटर चाट बनाइएगा, और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। थोड़ा देर से वीडियो जा रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है।
तो आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो आगे भी ऐसे साथ देते रहिएगा। अब ये देखिए चलाते चलाते सूख गया है और कितना गाढ़ापन आ गया है। इसी तरह हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये सूखा हो जाए थोड़ा सा, बहुत गाढ़ा हो गया अब अच्छे से। अब इसमें हम धनिया डाल दे रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है चाट का। तो ऐसी चीज़ें घर पे ज़रूर बनाया करिए आप लोग, ज़रूरी नहीं है आप लोग बाहर जाएं तभी वहाँ खाएं, घर पे ही आप लोग ऐसे बनाया करिए। तो टमाटर चाट बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है। अब इसको हमने चला के रख दिया, थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर भेजेंगे। और मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर बनाया करिए एक बार। तो ये देखिए दूसरी तरफ कितने अच्छे से पानी उबल गया है, और उबलने के बाद ही चटनी बन के तैयार हो गई खट्टी मीठी। तो ये प्लेट में है, तो प्रतापगढ़ में हमारे इसी तरह पत्तल में मिलता है, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी हम इसी पत्तल में ही शेयर क्यों ना करें। तो इस पत्तल में हम चाट को डाल दिया है। अब इसके ऊपर आपको जो जो इच्छा हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन हमने जो खट्टी मीठी चटनी बनाई है हम उसको डालेंगे। पहले खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, उसके बाद जो है इसमें प्याज डालेंगे। और कोई भी चाट हो, प्याज हो उसमें, उसमें कद्दूकस किया हुआ मूली हो, और ये थोड़ा सा गरी का जो बुरादा नहीं होता है, तो गरी का बुरादा आप लोग जरूर डालिएगा। तो गरी का बुरादा डालने के बाद और अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने सोचा आप लोग को साथ शेयर करेंगे तो आप लोग भी इसी तरह घर पे बनाएंगे। और ये बादाम है ऊपर से डाल देते हैं, तो हमने बादाम भी डाल दिया है। और ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं आता है उसको भी हम ऊपर से डालेंगे। और ये जो पापड़ आलू का बना के आप रख लीजिए, हम उसको थोड़ा सा डाल दिए हैं, और चिप्स भी डाल दिए हैं, ऊपर से धनिया डाल दिया है। और ये सेव वाली नमकीन है उसको भी ऊपर डालेंगे, बिना इसके तो चाट का स्वाद ही नहीं आता है। तो चाट वाले भी इसको भी डालते हैं, हमने घर पे चाट बनाया है तो हमने भी डाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी चाट आप लोगों को कैसे लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों के साथ जुड़े रहने में, और बनाने में भी आप लोगों के साथ शेयर करने में भी अच्छा लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि कैसे लगती है मेरी वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।